नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज एक और नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस पीछे हमने वीडियोस उसके रिलीज किए थे, जिसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके बाद रैंक कोरिलेशन को भी हमने डिस्कशन किया था, और आज उसी से रिलेटेड एक और नया टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस की बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सीखते हैं रिग्रेशन क्या चीज है। कहते हैं, इट इज द स्टैटिस्टिकल टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी आर इन पोजीशन टू एस्टीमेट द अननोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज गिवन इज कॉल्ड द रिग्रेशन। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास जैसा कि हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट पीछे पढ़ा था, उसके अंदर हम लोग एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिया करते थे, उनके बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप हम लोग फाइंड करते थे कि वो रिलेटेड है नहीं है, कितनी डिग्री उनकी रिलेशन की है, ये सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। अब यहां पर रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एस्टीमेट करना है किसका, किसी एक वेरिएबल का, जबकि दूसरा वेरिएबल हमको गिवन होगा। अगर एक्स का वैल्यू हम मुझे गिवन है तो वाई को एस्टीमेट करना, या वाई मुझे गिवन है तो एक्स को एस्टीमेट करना। तो ये देखिए, इसको पढ़ते हैं, इट इज द स्टेटिस्टिकल टूल विच हेल्प टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल की अननोन वैल्यू है हमारे पास, लेकिन जबकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मुझे गिवन है, इसी को हम क्या कह देते हैं, रिग्रेशन। अब डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिग्रेशन की बात करूं तो कहता है रिटर्निंग और गोइंग बैक कहते हैं, जैसे रिटर्निंग और गोइंग बैक। ठीक है, एक्ट ऑफ रिटर्निंग और गोइंग बैक। ठीक है, तो आइए और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो हमारे पास रिग्रेशन की लाइंस होती हैं, और वो रिग्रेशन लाइंस दो तरह की, एक y on x बोलते हैं, दूसरी लाइन को हम x on y बोलेंगे। y on x जो लाइन है that gives the most probable value of y, यानी उससे हम y की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे जबकि x की वैल्यू मुझे गिवन होगी। इसी तरीके से एक x on y हो गया जी रिग्रेशन लाइन, दूसरा हुआ x on y, इट gives the most probable value of x for the given value of y, is it fine? तो दोनों को बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, क्या होती हैं वो लाइंस, क्या फॉर्मूले होते हैं उनको कैलकुलेट करने के, आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी और बात कर लेते हैं। When there is either perfect positive or perfect negative correlation, correlation पीछे आपने पढ़ा था, perfect positive correlation का मतलब है प्लस वन आती है r की वैल्यू, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब आर का वैल्यू माइनस वन आता है। तो कहते हैं अगर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में आपके पास प्रेजेंट है, टू रिग्रेशन लाइंस कॉन्साइड। टू रिग्रेशन लाइंस कॉन्साइड का मतलब है आपको केवल एक ही लाइन दिखाई देगी, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे जी, चढ़ जाएंगे जी। ठीक है, एक बात तो ये, यानी इफ देयर इज ए पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में आपको मिल रहा है, तो उनकी जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन आप ड्रॉ करेंगे वो दो नहीं, एक सिंगल लाइन ही बनेगी। इट मीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन कॉन्साइड विद ईच अदर। सेकेंड थिंग, फर्दर द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, यानी दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन के बीच का ज्यादा डिस्टेंस है, तो कहता है लेसर इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन उनके बीच में कम है जी, दूर दूर है ना, तो कम संबंध है उनके बीच में, और ऐसे ही उल्टा भी
कि इसका मतलब है कि अगर वो ज़्यादा क्लोजर हैं, इट मीन देयर इज़ ए हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दोज वेरिएबल्स. इज इट फाइन? राइट. आइए अब और आगे बढ़ते हैं. अब सीखेंगे हम फॉर्मूले कि किस तरह से उन लाइंस ऑफ रिग्रेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और कैसे उनका फॉर्मूलों का यूज करके अलग अलग वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे. देखते हैं कैसे. रिग्रेशन इक्वेशंस. अब रिग्रेशन लाइंस अगर आपके पास हैं तो उन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए इक्वेशंस भी मुझे चाहिए जी. तो रिग्रेशन इक्वेशंस दो तरह की हैं. एक रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y. अब रिग्रेशन इक्वेशन जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में y लेफ्ट हैंड साइड में a एक कांस्टेंट और b x, a एंड b बोथ आर द कांस्टेंट्स. तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, जहां पर मैंने a और b को क्या बोला जी, दे आर द कांस्टेंट्स. अब बात आती है कि ये जो a और b है ये कहां से लाएंगे जी. कितने a और b को निकालने के लिए हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये, या ये रिलेशनशिप है, ये कहां से आया ये नहीं निकालना बता रहा हूं मैं आपको, केवल इसे आप लर्न करेंगे, याद रखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करेंगे. सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई को मिलाकर के टोटल कितने पेयर आपके पास है, काउंटिंग जिन्हें कह रहे हैं, ए प्लस बी सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये मेरे पास इक्वेशन आ गई या दो रिलेशंस आ गए जिनका यूज करके ए और बी की वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा और उसको फिर यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स आ जाएगी. राइट. इसी तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालना, तो उसमें एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए ए प्लस बी वाई, या कई जगह आपने देखा होगा या देखेंगे आप ए डैश प्लस बी डैश वाई निकालते हैं जी. तो ए डैश बी डैश लिखेंगे तो यहाँ ये जो इक्वेशंस मेरे पास हैं इनके अंदर भी आप इसको ए डैश बी डैश कर लेंगे या ए बी भी रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक. तो ये दो रिलेशंस हमारे पास यहाँ भी हैं, ये दो रिलेशन यहाँ भी हैं. तो एक्स ऑन सॉरी वाई ऑन एक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशंस को यूज कीजिए, एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन यूज कीजिए, और ये जो दो दो इक्वेशंस दो दो रिलेशंस आपको गिवन है, दीज इक्वेशंस आर यूजुअली नोन एज द नॉर्मल इक्वेशंस. ये ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ये जो इक्वेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द नॉर्मल इक्वेशंस. बात समझ में आ गई जी. आइए इनको क्लियर करने के लिए एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, और वो प्रॉब्लम आपको किस तरह से ये रिग्रेशन इक्वेशंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो बिल्कुल क्लियर कर देगी जी इस चीज को. करेक्ट. आइए देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम. ये गिवन है जी मुझे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस. दो रिग्रेशन इक्वेशंस अभी मैंने सीखी, एक एक्स ऑन वाई है, दूसरी वाई ऑन एक्स है. उसके लिए ए और बी दोनों की वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी जी. तो उनको कैलकुलेट करने के लिए मैं किस किस तरह से इस डाटा को यूज करूंगा उसको मुझे देखना है जी. आइए देखते हैं किस तरह से. ये देखिए जी, ये गिवन है मुझे डाटा जिसे मैंने इस तरह से कॉलम्स की फॉर्म में यहां पर मेंशन किया. अब हम यहां पर एक्स और वाई वाले वैल्यूज मुझे गिवन है, तो नॉर्मल इक्वेशंस के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है सिग्मा एक्स की, यानी इन एक्स वाली वैल्यूज को मैं प्लस कर लेता हूं एंड दैट सबमिशन गिव्स मी 30. उससे मुझे 30 सम मिल जाएगा इसका. सेकेंडली सिग्मा वाई का वैल्यू वाई वाली टर्म्स को ऐड कर लीजिए तो दैट गिव्स मी 40. ठीक है, उनका सम मेरे पास 40 आ गया. अब एक्स इन टू वाई, यानी इस एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 54, 22, 50, 32 एंड 56 है.
214. This is sigma x into y. Then sigma x square, x ka square kijiye, that is 36, 4, 100, 16 and 64. Inka sum karte hain, that is 220 and sigma y square, 81, 121, 25, 64 and 49. And sum inka 340. Is it fine? तो इस तरह से मैंने ये टेबल क्रिएट कर ली. मुझे क्या बोला गया? टू रिग्रेशन इक्वेशंस मुझे फाइंड आउट करना है. तो टू रिग्रेशन इक्वेशंस में फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर y ऑन x. y ऑन x जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस bx. दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन. सॉरी. और इस रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. उसके लिए मुझे नॉर्मल इक्वेशंस बताई गई थी कि नॉर्मल इक्वेशंस मैंने यूज करनी है. और वो जो नॉर्मल इक्वेशंस मैंने यूज करनी है वो नॉर्मल इक्वेशंस मेरे पास हैं सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स. ठीक है. तो सिग्मा वाई इज 40. सिग्मा वाई के प्लेस पर 40 कीजिए. एन ए नंबर ऑफ आइटम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनको काउंट कर लीजिए. तो ये आ गया 5a प्लस बी सिग्मा एक्स इज 30. तो आपके पास इक्वेशन आ गई 5a प्लस 30b इज इक्वल्स टू 40. नॉर्मल इक्वेशन पहले वाले को मैंने यूज किया और इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया 5a प्लस 30b. सेकंड जो नॉर्मल इक्वेशन मुझे गिवन था दैट वाज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर. अब सिग्मा एक्स वाई 214. सिग्मा एक्स वाई के प्लेस पर आप 214 ए सिग्मा एक्स इज 30 विच इज 30a प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 220. इज इट फाइन? तो मेरे पास इक्वेशन आ गया 30a प्लस 220b इज इक्वल टू 240. आसान. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर डाल दीजिए इसे थर्ड. अब मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. आपके पास 5a और यहां 30a. अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास 30a बन जाएगा ना. ये तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30a प्लस 180b इज इक्वल टू 240. फिर ध्यान से देखते हैं 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 240. एंड यहाँ क्या है जी? सेकेंड वाला इक्वेशन मेरे पास है 30a प्लस 220b इज इक्वल टू 214. अब इसको माइनस कर लीजिए. सब्ट्रैक्ट इट गिव मी नेगेटिव 40b इज इक्वल्स टू इसमें से माइनस कर लीजिए कितना आ गया 26 आई थिंक. तो b इज इक्वल्स टू माइनस 26 ओवर 40 या b इज इक्वल्स टू माइनस 13 ओवर 20 और 13 ओवर 20 से मेरे पास नेगेटिव 0.65 वैल्यू आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. अब b का वैल्यू मेरे पास आ गया
अब इस सेकंड या थर्ड इक्वेशन किसी में भी पुट कर लीजिए तो मेरे पास ए का वैल्यू भी आ जाने वाला है, और इससे मेरे पास ए का वैल्यू आ जाएगा 11.9, दैट इज 11.9, करेक्ट। मुझे ए का वैल्यू भी मिल गया, मुझे बी का वैल्यू भी मिल गया। अब मुझे उस फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर लेना है, तो मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन y on x आ जाएगी। तो रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y is equals to a mean 11.9 and b is minus 0.65x। तो y is equals to 11.9 minus 0.65x, this is the regression equation y on x, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे x on y भी निकालने हैं तो उसको भी देखते हैं जी, हम कैसे निकालेंगे। अब फाइंड करना है जी मुझे x on y, x on y के बारे में मैंने बताया, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, a डैश प्लस b डैश इंटू y, और इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस मुझे यूज करना है, सिग्मा x इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा y, एंड सेकेंडली सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, ऑल राइट। और इसे भी अगर मैं सब्सिट्यूट करूं तो सिग्मा x का वैल्यू मेरे पास 30, n का वैल्यू उसी तरीके से 5, एंड देन a, b और सिग्मा y का वैल्यू 40, तो 40 भी आ जाएगा ये मेरे पास, दिस विल बी 40 बी हियर, करेक्ट। और सिग्मा xy 214, a सिग्मा y इज 40, तो 40a प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर 340b, इज इट फाइन। तो अब फिर उसी तरह से दो लीनियर इक्वेशंस मेरे पास आ गए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं, तो मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूं आपके बार। इससे ए का वैल्यू मेरे पास 16.4 आ जाएगा और बी का वैल्यू विल बी -1.3। ए और बी मैंने निकाल लिया, या ए डैश और बी डैश, बल्कि ए डैश बी डैश लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो आप ए डैश बी डैश लिखेंगे तो ए डैश बी डैश कैलकुलेट करेंगे, और अगर ए और बी लिखेंगे तो ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 16.4 माइनस 1.3 एंड वाई, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है जी, आसानी के साथ मुझे ये समझ में आ गया जी, राइट। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया सीखते हैं इस रिग्रेशन इक्वेशंस में। तो देखिए क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन आ गया जी, क्या है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट? आपने अभी सीखा, दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशंस मैंने सीखे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई ऑन x जिसे मैं बोलता हूं, इसमें जो ये b मेरे पास है इसे मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट कहता हूं। ऐसी दूसरी इक्वेशन x ऑन y जो है उसमें ये जो b डैश मेरे पास है इसे मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट कहता हूं। तो इस रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं, थोड़ा और आगे बातचीत चल रही है, तो क्या है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट? तो रिग्रेशन कोफिशिएंट सबसे पहले आपके पास b, जिसे मैं बी वाई ऑन एक्स कह रहा हूं, यानी दिस इज द कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर।
जिसे वेरियंस भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो आर आर इंटू आर का मतलब हुआ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और अपॉन में मैंने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये फॉर्मूला भी हो सकता है और साथ में ये नीचे लिखा हुआ ये फॉर्मूला भी हो सकता है एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकालना सीखा जाए। ऐसे ही अगर मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई की बात करूं तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई यहां पर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर था, यहां स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का लेना है मुझे, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई या रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए एन सिग्मा एक्स आई वाई आई सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई, ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, नीचे चेंज हुआ है एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर, वाई वाली टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब रिग्रेशन इक्वेशन अगर मैंने लिखना है तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज द रिग्रेशन इक्वेशन, एक्स बार वाई बार सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। एक बात ध्यान रखना जी आपको कि जो एक्स बार वाई बार है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स बार वाई बार क्या है, दैट इज द मीन ऑफ एक्स वाले पार्ट का और वाई वाले पार्ट का। तो एक्स वाले पार्ट का और वाई वाले पार्ट का जो मीन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। किस तरह से, यानी आप वाई के प्लेस पर वाई बार ए बी एक्स के प्लेस पर एक्स बार अगर पुट करें तो दिस विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बात बताई जी मैंने आपको, यूज होगी। तो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज करेंगे तो रिग्रेशन इक्वेशन आप y माइनस वाई बार रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x x माइनस x बार करके भी रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से x ऑन y मुझे निकालनी है तो x माइनस x बार इधर लिखिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y y माइनस y बार करके लिखते हैं। इज इट फैंटास्टिक, करेक्ट। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे अभी हम आपके साथ। देखिए जी ये है प्रॉब्लम मेरे सामने, इसमें बोला गया द फॉलोइंग डेटा रिलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू शेयर्स। आपके सामने शेयर ए है, उसका मीन प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, द सेम थिंग फॉर द शेयर बी ऑल्सो, करेक्ट। कितने फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू रुपीज 60 फॉर बी, ठीक है। आपने ए के प्राइस को कैलकुलेट करना है जबकि बी का प्राइस मुझे 60 गिवन है जी। इसी तरीके से ऑल्सो फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द रुपीज 50 फॉर ए। तो इसके लिए मुझे रिग्रेशन लाइंस वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई निकालना है। तो चलिए शेयर ए की जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उन्हें हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं और शेयर बी वाले को वाई से डिनोट करते हैं। वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले शेयर ए की बात करें तो उसके लिए मीन प्राइस मुझे गिवन है, दैट इज 44। वाई के लिए मीन प्राइस मुझे गिवन है, दैट इज 58। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दैट इज 5.60। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 6.30 एंड कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी या कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.48। दिस इज गिवन टू मी, ऐसा मुझे गिवन है जी। अब सबसे पहले मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है, मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ ए, इसका मतलब मुझे एक्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है यानी एक्स ऑन वाई निकालना है। तो एक्स ऑन वाई जब मैं निकालता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, ए प्लस बी सिग्मा वाई, ए प्लस बी
सिग्मा पाई, ठीक बात है। तो अब इसके लिए मुझे ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है और मुझे बी का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। अब उस ए और बी का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट हम लोग करेंगे उसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज मैं बी की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। और बी के बारे में अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बी इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, एक्स ऑन वाई। तो इसका मतलब ये जो बी मुझे निकालना है, दिस इज द बी रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई वाला होना चाहिए। अब एक्स ऑन वाई वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट मुझे निकालना हो तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, राइट। इसका वैल्यू पुट कर लेता हूं जी। आर का वैल्यू मुझे गिवन है 0.48 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इट इज 5.6 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 6.3। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा जी। जब आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो दैट गिव्स मी 0.4267। ये मेरे पास इस बी का वैल्यू आ गया, करेक्ट। अब मुझे ए का वैल्यू भी चाहिए। और अगर आप याद रखें तो मुझे पहले अभी बताया मैंने आपको कि ये जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, इन्हें ये मीन वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं जी, यानी मीन वैल्यू सेटिस्फाई दीज रिग्रेशन इक्वेशंस, या मीन रिग्रेशन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय दीज मीन वैल्यूज। इसका मतलब है कि अगर मैं एक्स की जगह एक्स बार पुट कर दूं, वाई की जगह वाई बार पुट कर दूं, एक्स बार है मेरे पास, वाई बार है मेरे पास, बी का वैल्यू मैंने निकाल रखा है, मेरे पास ए का वैल्यू निकल आएगा। एक्स बार का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, दैट इज 44। ए का वैल्यू नहीं है मेरे पास, बी का वैल्यू 0.4267 इंटू वाई बार का जो वैल्यू मेरे पास है दैट वैल्यू इज 58। वाई बार इज 58, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उठा के उधर ले जाइए, इससे मेरे पास ए का वैल्यू निकल करके आ जाने वाला है एंड दैट इज 19.25। कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है मैंने देखा कि कैलकुलेटर अलाउड होता है आप लोगों को, तो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर का यूज करके बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे, राइट। तो मेरे पास ए का वैल्यू आ गया, यहां पुट कर देता हूं, बी ऑलरेडी है, तो मेरे पास इक्वेशन एक्स ऑन वाई आ जाएगी जी, इज इट फाइन। तो सो मेरे पास जो इक्वेशन आया, दैट इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल्स टू ए मीन 19.25 प्लस बी का वैल्यू 0.4267 वाई, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, यानी ये इक्वेशन आपके पास हो गई एक्स ऑन वाई, यानी a on b, x किसे सपोज किया था मैंने, शेयर a के लिए जो डाटा मुझे गिवन था उसके वो हमने यूज किया, तो दिस इज x on y। अब क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे पास, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ a, यानी मुझे x की वैल्यू को, प्राइस ऑफ x a को मुझे फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जबकि b का वैल्यू जो है मुझे 60 गिवन है, यानी वाई के प्लेस पर मुझे 60 पुट कर लेना है। 19.25 प्लस 0.4267 इंटू 60, करेक्ट। तो उसको भी मैं कैलकुलेशन अगर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 44.85, राइट। यानी अगर वाई का प्राइस, यानी शेयर ए बी का जो प्राइस है वो अगर 60 रुपीज हो तो 44.85 प्राइस आपके पास किसका होना चाहिए, शेयर ए का होना चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ ए
corresponding to the price of B as 60. तो आसान सी बात है जी, आसानी के साथ आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या मैं अब दूसरा पार्ट आपके लिए छोड़ दूं, जिसके अंदर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसमें मुझे y is equals to सम a dash plus b dash x निकालना होगा जी। उसमें मुझे x का वैल्यू गिवन है जी, यानी a का प्राइस मुझे गिवन है। पहले बिल्कुल इसी तरीके से यूज करके मुझे वैल्यू निकालनी है और a dash और b dash की, और फिर उसके बाद उस x के प्लेस पर प्राइस शेयर a के प्राइस को पुट कर देना है। मैं a dash और b dash की वैल्यू भी अगर आप बोलें तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो b का जो वैल्यू जो कि y on x आप निकालेंगे, दैट इज 0.54, वो मेरे पास आने वाला है। और a dash का जो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज 34.24 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस आज स्टार्ट किया, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस पर कुछ और बातें भी अभी बाकी हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे हम आपके लिए, उसमें आपको वो हम देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।